शूटर दादी के नाम से मशहूर निशानेबाज चंद्र तोमर को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। शूटर दादी को सांस लेने में परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली 79 साल की निशानेबाज चंद्र तोमर के ट्विटर पेज पर इस बात की जानकारी दी गई थी कि वो कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। शूटर दादी के ट्विटर पेज पर लिखा गया था कि दादी चंद्र तोमर कोरोना पॉजिटिव हैं और सांस की परेशानी के चलते हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लेकिन इसी बीच अब एक और दुखद करने वाली खबर सामने आई है कि हमारे देश का गौरव महिला सशक्तिकरण की मिसाल शूटर दादी चंद्रो अब हमारे बीच नहीं रही। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपको बता दें, चंद्र तोमर ने जब निशानेबाजी को अपनाया था तब उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती और यहां तक कि उन पर एक फिल्म भी बनाई गई। उन्हें विश्व की सबसे उम्रदराज निशानेबाज माना जाता है। कहते हैं कि उम्र के जिस पड़ाव पर लोग विराम ले लेते हैं, दादी ने वहां से जिंदगी की नई शुरुआत की थी, या यूं कहे कि 65 साल के बाद उन्होंने अपने लिए जीना शुरू किया था। घूंघट की ओर से उन्होंने ऐसा निशाना साधा कि दुनिया उनके कदमों में झुक गई। दादी ने बेटियों को यह संदेश भी दिया था कि सहन शक्ति और हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। मैं बुढ़ापे में कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। मैंने घूंघट में रहकर किया, तुम आजाद हो, तुम्हारे पास समय है, खेलो और देश के लिए मेडल लाओ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।